प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस कोरोना काल में दूसरों की हिफाजत करते हुए कई पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। कई तो कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौट आए, मगर कई लोग सिर्फ इस दुनिया में अपनी यादें छोड़ गए। इनमें से एक थे कार भारी राम भाव खाड़े, जो सिर्फ अपनी यादें इस दुनिया में छोड़ गए हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दीवा पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल कार भारी राम भाव खाड़े कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें सफायर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 2 सितंबर को आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कार भारी राम भाव खाड़े की निधन की खबर सामने आने के बाद मुंब्रा पुलिस स्टेशन, दीवा पुलिस स्टेशन में शोक का माहौल हो गया। भले ही कार भारी राम भाव खाड़े हमारे बीच नहीं है, मगर उनके द्वारा किए गए कामों से लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे। वहीं इसी तरह थाने की राबोड़ी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक भगत राव शालुंखे 55 वर्षीय ने करीब 17 दिनों तक अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ी और आखिरकार जंग जीत कर वो अपने वागले स्टेट स्थित अपनी घर पत्नी और 2 बच्चों के बीच में लौट आए। खुद सालुंखे के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए थाने पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर उनके घर पहुंच गए और हाल चाल ही नहीं जाना, बल्कि उनका साहस बढ़ाते हुए उनके भावी जीवन की कामना की। खरतर डॉक्टरांची आणि ईश्वराची कृपा आहे, इतक्या आजारानंतर 70 दिवसांनी भगतराव आपल्या घरी आलेले आहेत। अतिशय आनंद आहे। आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी, विशेष करून उपायुक्त परिमंडळ 1 श्री भुसे आणि शिरतोडे आमचे सिनियर पी आय राबोडीचे जे त्यांच्या युनिटचे इन्चार्ज आहे, त्यांनी पण खूप मेहनत घेतली। सगळ्या कुटुंबियांनी खूप सपोर्ट केला। त्यांचे मेवणे पण पोलीस दलात आहेत, त्यांनी अथक प्रयत्न केले। जिद्द, चिकाटी, धैर्य या सर्व गुणांचा त्यांनी परिचय देऊन आज ते बरे झालेले। त्यांना अजून काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, विश्रांती घेण्याची आवश्यकता आहे। निश्चितपणे ते आता संपूर्णपणे बरे होतील असा मला विश्वास पण आहे आणि ईश्वराजवळ प्रार्थना पण आहे।